ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानां सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे चिदे। वंदितु सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गतिम पत्ये वोक्षामि समय बाहुर मीणमूश्रुत केवली भणिदम। इस भवतरु का मूल इक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निरमूल अब करिए मोक्ष उपा करिए मोक्ष उपा। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है सातवें अधिकार पर अपनी नियमित क्रम में चर्चा चल रही है। प्रकरण जो अपना चल रहा था व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उसके अंतर्गत धर्म बुद्धि धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जिस जीव ने कुल परंपरा से जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं की कोई लौकिक वांछा भी उस जीव को नहीं है, है ना। उसने सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्यत्र जाने के त्याग भी कर रखे हैं, उसके पश्चात भी उसके मिथ्यात्व का अंश रह जाता है, क्या कमी रह जाती है उसकी चर्चा यहाँ टोडरमल जी साहब ने देव शास्त्र और गुरु उनकी भक्ति के अन्यथा स्वरूप में की। बिल्कुल मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं, अरहंत भगवान की भक्ति वह बाह्य अतिशय से करता है, पुण्य के उदय से मिलने वाले जो बाहर में सामग्री उसके आधार से करता है, और जीव आश्रित गुण और शरीर आश्रित दोनों विशेषताओं को मिलाकर एक मानकर भक्ति करता है, इसीलिए उसके मिथ्यात्व का अंश रह जाता है। इतनी संक्षिप्त बात किसमें है, देव भक्ति के संबंध में। गुरु भक्ति के संबंध में भी यह मूल बात तो यह है कि ये गुरु की दया के आधार से भक्ति करता है, गुरु के सील के आधार से भक्ति करता है, गुरु के त्याग के आधार से भक्ति करता है, गुरु धर्म उपदेश देकर अन्य जीवों को धर्म में लगाते हैं इसके कारण भक्ति करता है, गुरु कोई परिग्रह या पैसा नहीं रखते हैं इसके कारण भक्ति करता है, लेकिन गुरु की भीतराग्ता के आधार से भक्ति नहीं करता, इसीलिए उसके सम्यक दर्शन नहीं होता, मिथ्यात्व रह जाता है। बात पकड़ में आई, बात संक्षिप्त है लेकिन पकड़ में आई ना। शास्त्र के प्रति इसको महिमा क्यों आती है कि शास्त्र में दया का वर्णन किया गया है, शास्त्र में दान का वर्णन किया गया है, शास्त्रों में तीन लोक संबंधित ऐसी बातें बताई गई है जिसकी अपन विचार नहीं कर सकते, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। इसके आधार से शास्त्र की महिमा आती है, या हम इस कुल में जन्म हुए जिस कुल के अंदर यह शास्त्र पढ़े जाते हैं इसके आधार से महिमा आती है, लेकिन शास्त्र की महिमा जीवादि सात तत्वों के यथार्थ निरूपण से नहीं आती।
क्या तीन बातें पकड़ में आ गई आपको? तीन कौन आपने से बताएगा ये क्या क्या? कितनी सूक्ष्म बातें कही। शास्त्र की महिमा व्यक्ति के आधार से आ जाती है ना? ऐसा होता है बहुत सारे जीवों को ऐसा लगता है कि गुरुदेव श्री ने कितना 19 बार समय सार को सभा में पढ़ा, उसके आधार से समय सार की महिमा आ जाती है। लेकिन समय सार में जो जीवादि सात तत्वों का यथार्थ निरूपण किया है उसके आधार से महिमा नहीं आती तो भी आपकी महिमा का आधार सच्चा नहीं है। बात पकड़ में आ गई क्या? बहुत कठिन तो नहीं होंगे? आपको महिमा किसके आधार से आ रही है ये बताओ है? क्या महिमा किसके आधार से आ रही है? आचार्य कुंद कुंद के आधार से महिमा आ रही है। 2000 वर्ष पुराना है, स्पेशल प्रिंटिंग करा हुआ है, इसके आधार से महिमा आ रही है। लेकिन अंदर जीवादि सात तत्वों का यथार्थ तो स्वरूप जो बताया है, जिसका स्वरूप समझकर पूर्व में अनेक जीव सुखी हुए हैं, मुझे भी ये समझना है, महाभाग्य से मुझे ये मिला है, इसके आधार से महिमा नहीं आती। आई बात सर? क्या तीनों बात पकड़ में आ गई आपको? देव की महिमा अतिशय से आती है, देव की महिमा उनके पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री से आती है, देव की महिमा इसको आती है, सो सो इंद्र उनको नमस्कार करते हैं इससे आती है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है इससे आती है ना, सभी 12 सभाएं लगती है इससे आती है। लेकिन देव की महिमा उनकी वीतरागता और अनंत चतुष्टय से नहीं आती। वो अनंत चतुष्टय का स्वरूप नहीं जानता, अनंत चतुष्टय कैसे प्रकट हुआ है वो पता नहीं उसको, और महिमा आती है। तो टोडर मंजी साहब कहते हैं भाई तेरे को मिथ्यात्व का अंश रह गया है। अभी बात समझ में आई है? अंश रह गया, मिथ्यात्व रह गया, क्योंकि मिथ्यात्व का अंश है इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। क्या मिथ्यात्व का अंश है मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। इतनी तीन बातें अपन ने अभी विगत 5-6 दिवस से अपन ने विचार किया। अब इसका जो सार लिख रहे हैं टोडर मल्ली साहब, उसके बाद सात तत्वों के संबंध में इस जीव को अन्यथा क्या भाषित होता है उसकी बात है। देखो निकालिए पेज नंबर 236। इस प्रकार मिला, सबको मिल गया। इस प्रकार किस प्रकार, किस प्रकार बाबूजी? इस प्रकार शब्द लिखा है ना यहां पर टोटल मल्ली साहब ने, इस प्रकार इसका मतलब पूर्व में जो देव शास्त्र और गुरु की भक्ति का कारण टोटल मल्ली साहब ने बताया है उस व्यवहारवासी को इस प्रकार, किस प्रकार बोलो? देव के प्रति भक्ति का कारण चमत्कार है, देव के प्रति भक्ति का कारण बाहर में समोसरण है, देव में देव के प्रति भक्ति का कारण सो सो इंद्र पूजते हैं, देव के प्रति भक्ति का कारण वो अधर में विराजते हैं, इसके कारण उसको देव के प्रति भक्ति है। देखो अभी देव तो है सच्चे बाबूजी, देव झूठे नहीं है, ठीक है, और इसको भक्ति भी कोई लौकिक वांछा के लिए नहीं है, ये कोई संसार की कोई लौकिक वांछा या स्वर्ग मिल जाए या इस भव में, लेकिन देव का यथार्थ स्वरूप जिसके कारण इसको भक्ति होनी चाहिए थी उसका उसको भान नहीं। आई बात सब? कितनी बात पकड़ में आ गई? क्या जिसके देव झूठे हैं सरागी हैं वो तो इस पिक्चर में है ही नहीं, ठीक है, जो मिथ्या दृष्टि देवों को भजता है वो तो इस पिक्चर में है नहीं, ये तो बिल्कुल वीतरागी देव सर्वज्ञ अनंत देव उनकी भक्ति करता है। लेकिन भक्ति करने के पीछे उसका जो जोर आया है वो कहीं से आया है? उनके पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री समोसरण आदि की विभूति से जोर आया है। किससे जोर आया है बाबूजी? उसको सो इंद्र पूजते हैं इसीलिए उसको जोर आया है, भगवान अधर में विराजते हैं इसलिए जोर आया है ना?
इसके आधार तो टोडरमली साहब कह रहे हैं कि तेरे को देव की भक्ति सही नहीं। गुरु के प्रति भक्ति कैसे हुई है? इसको गुरु की नग्नता को देखकर भक्ति हुई है। गुरु परिग्रह नहीं रखते हैं इसलिए भक्ति हुई है। गुरु उपवास करते हैं इसीलिए भक्ति हुई है। वह उपदेश देकर अन्य जीवों को धर्म में लगाते हैं इसीलिए भक्ति हुई है। लेकिन गुरु के क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन चौपड़ी कसाई के अभाव के रूप में जो इनको निरंतर वर्तती शांति है आनंद की धारा है उसके कारण भक्ति नहीं हुई, इसीलिए उसको गुरु की भक्ति भी सच्ची नहीं। क्या जिनवाड़ी के प्रति भक्ति क्यों हुई है? कि यहां दया की बात आई है, यहां दान देने की बात आई है, यहां तीन लोक के संबंध में रचना है, कहां ज्योतिषी देव है, कैसे दिन और रात है, कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चा है, इसीलिए जिनवाणी की प्रति भक्ति आई है। लेकिन उसको जिनवाणी में सात तत्व का यथार्थ स्वरूप बताया है, जिस स्वरूप को समझकर अनेक जीव ने अपनी परिणति में धर्म प्रकट किया है, उसके कारण उसको जिनवाणी की भक्ति नहीं आई है, तो वो भक्ति सच्ची नहीं है। तीन बातें हो गई। इस प्रकार की भक्ति जो मिथ्या दृष्टि को है, तो उसके संबंध में अब यहां टोडरमली साहब तीन पंक्ति लिख रहे हैं। देखो क्या लिखते हैं। इस प्रकार इसको देव गुरु और शास्त्र की प्रतीति हुई। देव के प्रति इसकी श्रद्धा हुई, गुरु के प्रति इसकी श्रद्धा हुई और शास्त्र के प्रति श्रद्धा हुई। किस प्रकार बाबूजी श्रद्धा हुई? किस प्रकार? अभी देव सच्चे हैं, गुरु सच्चे हैं और शास्त्र भी सच्चे हैं और इसको कोई लौकिक वांछा भी नहीं है और देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हुई है, अन्यत्र यह अन्य देवी देवताओं के यहां नहीं जाता है, ऐसा इसने त्याग भी कर लिया है। लेकिन इसकी श्रद्धा का कारण क्या है? जो मुख्य कारण है वो नहीं है। बाबूजी बात पकड़ में? अनंत भगवान शांतिनाथ भगवान के पास ही आता है। क्या कह जाओ साहब? क्यों शांतिनाथ भगवान के पास आता है? ये तो वितरागी है, ये सर्वज्ञ है, ठीक है, समोसरण विराजते हैं, चक्रवर्ती थे, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, इसके आधार से जैन साहब उसको भक्ति है। लेकिन शांतिनाथ भगवान के जो चार घात्या कर्म नाश हुए हैं, अनंत दशा का जो आपने यहां प्रतिमा विराजमान किया है, असल वो चार घात्या कर्म के नाश होने पर जो चार चतुष्टय प्रकट हुए हैं उसकी इसको महिमा नहीं आती। प्रतिमा तो स्फटिक की है तो महिमा आ जाएगी, है ना? वेदी तो स्वर्ण से खचित है, रत्नों से खचित है, इसलिए तो महिमा आ जाएगी। 500 बरस 1000 बरस पुरानी प्रतिमा है उससे तो इसको महिमा आ जाएगी। लेकिन किससे महिमा नहीं आ रही है? किससे महिमा नहीं आ रही गजाव साहब? किससे महिमा नहीं आ रही? भगवान के अनंत चतुष्टय से महिमा नहीं आ रही। बाबूजी बात पकड़ में आई? देखो कितनी बारीक बात पकड़ी है। और वो कारण मिथ्यात्व का अंश है, क्योंकि महिमा का कारण ही वही अनंत चतुष्टय है। बात बात में क्या दम है बाबूजी? क्यों सभी अनंत भगवान के समोसरण होते हैं क्या? सभी अनंत भगवान के पांच कल्याणक होते हैं क्या? सात प्रकार के अनंत भगवान की चर्चा है ना बाबूजी? सात प्रकार के अनंत भगवान की कौन है? सात प्रकार के अनंत भगवान बताओ। सात प्रकार के अनंत आपने पढ़े होंगे ना? एक तो तीर्थंकर अनंत, तीर्थंकर केवली, इसका मतलब पांच कल्याणक वाले अनंत, फिर तीन कल्याणक वाले अरिहंत, दो कल्याणक वाले अरिहंत। अभी देखो मजेदार बाबूजी, आप बोलते हो ना कि अनंत भगवान के 46 दोष रहित, ऐसे बोलते हो ना? नहीं, 46 गुण, 18 दोष रहित और 46 गुण सहित, ठीक है ना? क्या बोलते हैं बजाय 46 गुण सहित? तो क्या सभी अनंत भगवान 46 गुण सहित है?
फिर से 46 गुण का बंटवारा करो आप, 46 गुण का बंटवारा करो, जल्दी करो फटाफट। 46 गुण कैसे? 10 जन्म के, बहुत सुंदर। 10 केवल ज्ञान के, बहुत सुंदर। 14 देवग्रह, बहुत सुंदर। 8 प्रातिहार, बहुत सुंदर। और 4 अनंत चतुष्टय। अब जो तीर्थंकर केवली 5 कल्याणक वाले हैं, उनके तो 10 के जन्म के कल्याणक, 10 के जन्म के गुण होंगे। और जो 3 कल्याणक वाले हैं और 2 कल्याणक वाले हैं उनके, तो फिर वो भगवान है कि नहीं है? कैसे साहब है? भाई 3 कल्याणक और 2 कल्याणक वाले होते हैं ना बाबू जी, अरंत भगवान विदेश क्षेत्र में, तो है? तो फिर उनके जन्म के अतिशय है जैन साहब, और जब जन्म के अतिशय नहीं है तो फिर भगवान नहीं है क्या? सबकी बात क्या साहब है? खोज करो आगम से, आपको महिमा आएगी जो माल निकाला है गुरुदेव श्री ने। आपको पता है जब तक आप गहराई से अभ्यास नहीं करोगे क्या चीज निकाली है उन्होंने, आचार्यों ने क्या बात कही है, आपको तब पता चलेगी। किसी भी चीज की महिमा कब आएगी? जब आप उसकी गहराई से विचार करके उनके उनने भेद पर जो रहस्य निकाला है। आई बात सब? तो कितने हो गए बाबूजी अरहंत? कितने हो गए? 7 प्रकार के अरहंत की बात है। तो अब ये जो 46 गुण की बात है, अब 46 गुण को पकड़ के बैठ जाओगे आप, तो फिर 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले अरहंत का क्या होगा? क्या होगा गजान साहब? है कि नहीं? है साहब, तीर्थंकर भगवान का तो समोसरण होता है, चाहे भले वो 3 कल्याणक वाले हो, भाई 2 कल्याणक वाले हो, या है 5 कल्याणक वाले हो। तो साहब आपको पता है एक बंटवारा है, सातिशय अरहंत। क्या बंटवारा है बाबू जी? अतिशय सहित अरहंत भगवान है। क्या है उसमें क्या बंटवारा है उनमें? देखो कितने बंटवारे हो गए, 3 तो हो गए ना जैन साहब, एक 5 कल्याणक वाले अरहंत, एक 3 कल्याणक वाले और एक 2 कल्याणक वाले। ओके कहजा साहब। और अब चौथा भेद है क्या है? अतिशय सहित सातिशय अरहंत। क्या? हाँ बहुत सुंदर। देखो बाबू उनके समोसरण नहीं होता, उनके गंध कुटी होती है। किनके? हाँ सातिशय जो अरहंत है बाबू जी है, वो तो है गंध कुटी होती है। और एक अरहंत ऐसे भी होते हैं कि जिनके गंध कुटी भी नहीं होती, वो सामान्य के होती। तो अब आप समोसरण के आधार से अरहंत को मानोगे तो गंध कुटी और सामान्य केवली का क्या होगा? सभी अरहंत है। हाँ, और बाकी उपसर्ग के काल में जिनको केवल ज्ञान हुआ है वो, और एक अंतःकृत केवली, अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाता है। ऐसा ऐसे 7 बंटवारे कर दिए बाबू जी। लेकिन मुद्दा ये है, 7 अरहंत है, 7 सर्वज्ञ है, 7 हमारे देव है। अब ये 7 आप किसके आधार से मानोगे कि जब आपने अनंत चतुष्टय को पकड़ा है, आपने 4 घातिया कर्म के अभाव में अगर उन शांति मित्रता को पकड़ा है तब तो 7 देव, और बाहर का कुछ भी पकड़ा है तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगी, फिर आगे भक्ति सच्ची नहीं है। आई बात पकड़ में आया नहीं आया? क्या कह जाओ साहब, बात पकड़ में आ रही है आपको? तो आधार क्या है जैन साहब? यहां कह रहे हैं कि अरहंत भगवान के प्रति भक्ति का आधार तेरे को उनकी वितरागता होनी चाहिए, उसी का तेरे को जोर होना चाहिए, है ना? ये श्रद्धा की तरफ से बात है। अगर बखान करने में किसी नए की मुख्यता से यदि शरीर बाहर के समोसरण के आधार से तू भक्ति करता तो हो बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रद्धा में तो जोर तेरे को अनंत चतुष्टय का ही होना चाहिए, आना ही चाहिए। बात पकड़ में आ गया? ठीक उसी प्रकार गुरु के प्रति भक्ति का भी 3 चौकड़ी कसाई के अभाव में जो उनके शांति बढ़ती है उसका जोर आना चाहिए। आई बात समझ में? बाहर में मुंह से किसी बात मतलब कथन करने में नए आते हैं, किसी कथन से किसी व्यवहार नए से नग्नता की बात हो जाए, तप की बात हो जाए, सील की बात हो जाए, ब्रह्मचर्य की बाहर से बात हो जाए, है ना? अब बिना परिग्रह है ना, कोई पैसा नहीं रखते इसके आधार से बात हो जाए, लेकिन जोर किसका होना चाहिए? हाँ उनकी भीतर आकर
ठीक जिनवाड़ी में भी बाबू जी है ना, आप प्रथमानियो पढ़ो कोई चमत्कार की बात आ जाए, कर्णानियो पढ़ो बहुत सूक्ष्म चर्चा आ जाए कर्म की इनकी, लेकिन आपका जोर किधर का होना चाहिए कि जिनवाड़ी में सात तत्व के संबंध में यथार्थ बात की, इसको यदि नहीं समझेंगे तो क्या होगा जैन साहब, हमारा संसार समुद्र पार नहीं होगा, ये बराबर आपको उसके आधार से जोर आना चाहिए। और ये जो व्यवहारभाषी का जो चौथा भेद है उसने सब कुछ उसका सही है बाबूजी, कुल परंपरा से नहीं मानता, देखा देखी नहीं मानता, कोई लौकिक उसकी वांछा नहीं है, लेकिन गड़बड़ी क्या है कि बाहर में अटक गया, मूल जो कारण है उसके आधार से उसको बहुमान नहीं आया, इसलिए मिथ्यात्व का अंश रह गया। बात पकड़ में आ गई है कि नहीं, मजेदार बात। देखो टोटल मलिक साहब ने देखो कितना जबरदस्त उसका खुलासा किया। इस प्रकार समझ गए ना विषय, इस प्रकार का इसको देव गुरु शास्त्र की प्रतीति हुई है। प्रतीति क्या हुई, प्रतीति किसको बोलते हैं, ये श्रद्धा की तरफ से बात है, प्रतीति मतलब विश्वास, ये ही सच्चे देव। ठीक है जैन साहब, खूब लोगों को ऐसा विश्वास होता है यही सच्चे देव है, जो भी भला बुरा करेंगे यही करेंगे, तो ये सच्चा विश्वास है, नहीं है? ये सच्चा। क्या कह रहे हो, जो भी करेंगे अब तो शांतिनाथ भगवान ही करेंगे, बाकी कोई नहीं कर सकता, तो ये सच्चा विश्वास है क्या, गजब की बात है। भले शांतिनाथ भगवान है वो वीतरागी है प्रतिमा भी साथ, उसको विश्वास क्या है, जो भी मेरा सही करेंगे, अब तो फाइल इनके पास पहुंच गई है, किनके पास पहुंच गई क्या जाओ सा फाइल है, शांतिनाथ भगवान के पास। ठीक है, पर उसको विश्वास है कि जो भी शांति करेंगे ये शांतिनाथ ही करेंगे, तो उसका विश्वास सच्चा है क्या, मैं ये पूछ रहा हूं, घर की शांति भी करेंगे तो शांतिनाथ भगवान करेंगे, भले उन्होंने घर छोड़ दिया हो लेकिन घर की शांति कौन करेंगे, और जगत में शांति कौन करेंगे, बोलो जगत में शांति कौन करेंगे, अभी चल नहीं रहा वो जी शांति धारा। काई के लिए शांति धारा, जगत में शांति हो तो कैसे होगी शांति, कौन करेगा, हाँ शांतिनाथ भगवान, नहीं गजान साहब शांतिनाथ भगवान शांति नहीं करेंगे, अरे बोलो ना हाजी अन्ना जी, क्या धारा चल रही थी, नहीं क्या धारा चल रही थी, शांति धारा क्या है कि मैं शांत स्वरूप भगवत स्वरूप नित्य विराजमान हूं, ये शांति धारा है। क्या है शांति धारा भाव जी, शांति धारा क्या है, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं सुखी हूं, ऐसी बात शांतिनाथ भगवान से लेकर अभी तक मतलब बिना रुकावट के चलती है, इसी का नाम शांति धारा है, वो पानी की धारा का नाम शांति धारा नहीं है। मेरे में कसाय नहीं है, तो साहब किसमें कसाय है, कह रहा था किसमें कसाय है, बोलो देखो तो सही आप है बाबू जी, शांति धारा का अर्थ समझ गया है, अब भोला जीव है और मंदिर को चलना चाहिए, और फिर बड़ी मुश्किल से एक घंटा डेढ़ घंटा वो धर्म का निकालता है, तो उसको लगा दिया शांति धारा में, उसके बाद न तो वो स्वाध्याय कर पाता है न पूजा कर पाता है, भागता हुआ आता है और शांति धारा करके भाग के चला जाता है, न तो अनंत भगवान ने क्या बताया है, शांति प्राप्त करने का क्या स्वरूप बताया है, जाने नहीं मंदिर वाले का भी काम पूरा और उसका भी काम पूरा, क्योंकि शांति तो हो ही रही है, है? कौन समझे अनंत भगवान की बात है, विवेक की बात कौन समझे, विनय की बात कौन समझे, है बोलो। मैंने तो बाबू जी ऐसे स्थान भी देखे हैं कि जो भगवान का जो गंधो तक है ना पांव तक आते हैं, ऐसा कंटिन्यूस पानी डालते हुए देखा, अब नीचे इतनी बड़ी कोठी रखते हैं, कोठी कोठी समझे आप, वो भगवान विराजमान करके धारा, अब धारा लगाने वाले ज्यादा है, ठीक है, और फिर उसको अंदर से संतुष्टि नहीं होती है तो तेज धारा पानी की डालना है,
फिर नंबर आते आते लास्ट में जब पूरी भर जाती है तो अकेले आदमी से तो उठती नहीं है, ठीक है अभी, और फिर सबको तो घर भागना है, वो काम तो सेवक का है, अपना काम तो भगवान के ऊपर है, पानी तैयार करना लाना वो भी सेवक का है, और गंदों तक भी अपना तो काम क्या है राजा, अपने तो बस वो कला से आ गए, वो कर दिया, तो कभी वो ढुल के पांव तक नीचे आ जाते हैं। अरे भैया तू एक काम कर, आधा एक घंटा तू भगवान के आदि से उगरा तेरे देख लिया, उनने शांति परिणति में शांति प्रकट करने के लिए क्या बात बताई है वो तो समझ है, वो नहीं सुनना, वो नहीं समझना, नहीं जानता, सब में चक्कर ही चक्कर चल गया है, बहुत जबरदस्त चक्कर चल गया है। अच्छा मुझे बताओ ये बिना समझे कैसे काम चलेगा है? अब आप देखो बाबू जी, नौ ग्रह हो गए, नौ देवता हो गए, तीर्थंकरों को ग्रह में बांट लिया, एक एक ग्रह का आपको यदि मंगल का इफेक्ट है तो इस तीर्थंकर की पूजा करने, कितनी अंदर में बीमारी घुस गई है बोलो, ये सब क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्या आपका स्वाध्याय छूट गया? अब नवरात्रि में गरबे भी चालू हो गए हैं, फिर धीरे धीरे 10 लक्षण पर्व तो आपका दब जाएगा और नवरात्रि का पर्व ज्यादा हो जाएगा, वे तो काम बड़ा हो गया है, बीमारी घुस गई अंदर, कौन कैसे समझे जैसा, समझाने से कोई समझा नहीं सकता, आपको खुद को समझना पड़ेगा, आगम का अभ्यास करना पड़ेगा कि अपना शाश्वत पर्व कौन सा है, कौन सा है शाश्वत पर्व बोलो, 10 लक्षण है, अष्टानिका है, अष्टमी है, 14 है, ठीक है, और ये अब नवरात्रि कहां से आई है, बड़ी मतलब कहने का है ना, जो बीमारी घुसी है वो बीमारी बढ़ेगी, अब आप उनको यथार्थ स्वरूप नहीं समझाओगे तो गड़बड़ होगा है? और कोई जीव को उस काम में लगा रहे हो आप, उसी में अटका रहे हो, तो आप समझो कि उसका भला कर रहे हो बुरा कर रहे हो, ये बताओ है? आप उसको स्वाध्याय की प्रेरणा दो, भगवान ने क्या बताया वस्तु स्वरूप समझने दो उसको, वो एक घंटा मंदिर में आया तो एक घंटा क्लीन चीज दो आप उसको, ठीक है, कहीं मत उलझाओ, नहीं तो कहीं आप प्रोजेक्ट बता दोगे यहां ये लगाना है ये लगाना, पैसा लेने वाली टीम पैसा लेगी वो भाग जाए क्या? बड़ी मुश्किल से मंदिर में आया है तो उसको मुख्य बात बता दो आप, बाकी काम हो जाएगा। अभी तो बाबू जी ऐसा हो गया टीवी में, आपके घर में कोई बीमारी है तो वहां आप धारा करवा दो और वो क्या बोलते हैं उससे बीमारी, क्या जैन दर्शन के सिद्धांतों का मखोल बनाया टीवी के अंदर, भाई निज आयु क्षय से जीव मरे ये सिद्धांत मजबूत कराना है कि तुम वहां शांति धारा कर दोगे तो उसकी आयु बढ़ जाएगी, क्या क्या है कहना साहब क्या बताओ है? उनको पैसा लेना है और एक गजब मखोल बना दिया है, पाप पुण्य के उदय की बात, आयु आयु कर्म की बात, ये तो सब आपने एक तरफ रख दी, और टीवी का साधन ऐसा है, डिजिटल मीडिया में ऐसा प्रचार है कि वो समझता तो है नहीं, खुद नहीं समझता है, इसमें सिद्धांत की क्या गड़बड़ी है, फट कॉपी और फट फॉरवर्ड है, ये क्या पागलपन है, तू समझ तो सही, सही है कि गलत है, नहीं इधर से इधर भेजा है, देखो भैया मैं आपको बताता हूं कितनी भी गड़बड़ी हो यदि आप सावधान हैं तो आप सही मार्ग ढूंढ लो, ठीक है, और यदि आप ढीले ढाले हो तो आप ठगे जाओगे, और जगत में कोई भी ठगा जाता है वो अपने स्वयं के अज्ञान से ठगा जाता है, कोई किसी को बाजार में सब माल उपलब्ध है, आपको जो चाहिए वो मिलता है, आप अगर अज्ञानी बना रहना चाहते हो अज्ञानी रहो, और आपके पास जिनवाणी है खूब स्वाध्याय करो, खूब मिलान करो, क्या सही है क्या गलत पहचान करो, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि इसमें ही मेरा भला है, यदि मैं विपरीत मार्ग में चला गया तो मेरे अनंत भाव बिगड़ जाएंगे,
इतना तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। यहां क्या कह रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हुई, किस जीव को हुई, उस व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि को, ऊपर में तीन प्रकार से टोडरमल जी साहब ने समझाया है, उसके आधार से देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हुई है। वह सच्चे देव के अलावा किसी को नहीं मानता, सच्चे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता, सच्चे शास्त्र के अलावा किसी को नहीं मानता, लेकिन मानने का जो मुख्य कारण है उसको नहीं जानता और बाह्य कारणों के आधार से मानता है, और मानने के बाद अपने को क्या मानता है कि जैसे मेरे को तो व्यवहार सम्यक हो गया है, भावजी मैं किसी दूसरे देवी देवताओं के यहाँ नहीं जाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच्चे देव साथ गुरु के पास ही जाता हूँ, इसलिए मैं तो व्यवहार सम्यक वाला हूँ। नहीं है, यही तो समझा रहे टोटल मेले साहब, नहीं है, क्योंकि व्यवहार सम्यक कब होगा, जब अंदर निश्चय होगा, निश्चय के साथ व्यवहार है, अकेला व्यवहार नहीं होता। बात पकड़ में आ गई भाव जी, अकेला व्यवहार नहीं होता। हाँ, वो मानता है कि मेरे को व्यवहार सम्यक है, मैं इनके अलावा कहीं दर्शन नहीं करता हूं, मैंने त्याग कर लिया है, लेकिन भैया तेरे को निश्चय नहीं हुआ। अब निश्चय क्यों नहीं हुआ कि जिस कारण से तेरे को देवसाध गुरु की मुख्यता आनी थी, प्रतीति भक्ति आनी थी, वो कारण ही तेरे मुख्य नहीं किया, इसलिए तेरे निश्चय नहीं हुआ, और जब तेरे निश्चय नहीं है तो तेरे व्यवहार भी नहीं है, ऐसा कहना। बात पकड़ में आ गई क्या कहना साहब, बात पकड़ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? आपको लगेगा ये तो बहुत धीरे धीरे एक एक पंक्ति में एक दिन पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे को पढ़ाने का भाव इसलिए हो रहा है कि आप अकेले पढ़ते तो भाव नहीं निकाल पाते है। जल्दी करने से भी कहाँ जाना है अपने भाव जी, है यही है अपन, और रोज की अपनी सभा है, भाव तो पकड़े, क्यों उसके व्यवहार सम्यक नहीं है, बोलो क्यों व्यवहार सम्यक नहीं है? हाँ, व्यवहार सम्यक क्यों नहीं है जैसे साहब, कि व्यवहार सम्यक कब होगा, जब निश्चय सम्यक होगा, निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो उसके बाहर में देवसाज गुरु के प्रति भक्ति का जो भाव है उस पर उपचार से व्यवहार कहा जाएगा, लेकिन जब निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार होता नहीं है। और व्यवहार निश्चय क्यों नहीं है, क्योंकि जिसके आधार से इसको देवसाज गुरु की प्रतीति होनी चाहिए थी, उसके आधार से न होकर बाही कारणों के आधार से हुई। भले ही देव सास गुरु सच्चे हैं, लेकिन तेरी प्रतीति का आधार सच्चा नहीं है, इसलिए तू मिथ्या दृष्टि। ये तो जगत कहता है, ये अन्य पंथ में चलता है, पहले व्यवहार होगा पची निश्चय होगा, ये अन्य पंथ में चलता है, ये संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय की बात नहीं, ये ना उसमें चलता है, आपको बताता हूँ, श्वेतांबर संप्रदाय में ये कहावत है कि पहले व्यवहार होगा और फिर निश्चय होगा। वो श्वेतांबर संप्रदाय ये कहते हैं कि पहले तो इसको व्यवहार में लगने दो, फिर अभी आने दो इसको भगवान को छूके, उस क्या बोलते हैं भगवान को, श्वेतांबर संप्रदाय में क्या है, पूजा कैसे होती है पता है भगवान की, अपन जैसे अष्टद्रव्य से बाहर अवलंबन लेके पूजा करते हैं, उनके यहाँ ये है कि भगवान पवित्र है तो जब तक भगवान को छूओगे नहीं तो आप में पवित्रता आएगी, तो उनके यहाँ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष भगवान को स्पर्श करते हैं तो वो मानते हैं कि हमारी पूजा हुई। उनकी पूजा का तरीका आपको पता है क्या, वैसा पता है उनका आधार क्या है, भगवान पवित्र है और भगवान को स्पर्श करके, अब वो बोलते हैं जैसे आप जो गंधों तक भगवान को स्पर्श होके आया है उसको तो आप सिर पे लगाते हो, और भगवान को सिर्फ आप 10 मिनट छूने देते हो, हमने तो छोड़ रखा है भगवान को छुओ ताकि पवित्रता आती रहे। कैसे आती पवित्रता कह जाओ साहब, हाँ क्योंकि भगवान तो परम पवित्र है, इसलिए उनकी यहाँ पूजा में भगवान को छुआ जाता है, वो केसर लगा के पूजा, और वहां एक और ये चलता है, क्या चलता है कि पहले व्यवहार करो फिर निश्चय होगा, क्या क्या कहते हैं, पहले व्यवहार होगा
फिर निश्चय होगा। पहले तो आने दो, देवसाज गुरु की पूजा होने दो, पहले व्यवहार सम्य दर्शन होगा, फिर बाद में निश्चय। ऐसा नहीं है। दिगंबर संप्रदाय में निश्चय व्यवहार का नाम ही क्यों व्यवहार पड़ा? क्योंकि निश्चय साथ में है, नहीं तो उपचार किसका करें बाबूजी? क्या तो ये वो क्या मानता है? मैं सच्चे देवसाज गुरु को मानता हूं, उनकी भक्ति करता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनके अलावा अन्यत्र नहीं जाता। बाबूजी ये बात ध्यान रखना, जो अन्य देवी देवताओं को मानता है वो तो अभी इस पिक्चर में है ही नहीं है। हाँ हाँ, जो अन्य मत वाला है वो पांचवें अधिकार में है, जो धनंजय पद्मावती वाला है वो छठे अधिकार में। यहां तो सच्चे देवसाज गुरु को मानने वाले की बात चल रही है। आई बात समझ? जो सच्चे देवसाज गुरु के अलावा कहीं अन्यत्र नहीं जाता, किसी के प्रति उसको भक्ति का भाव या वो किसी के प्रति वो पूजा का भाव नहीं है, उस जीव के यहां टोडर मजिस्ट्रेट कारण बता रहे हैं, वो ऐसा मानता है अब मेरे को व्यवहार सम्यक हो गया। क्या मानता है बाबूजी? अब मेरे को व्यवहार सम्यक हो गया, अब आगे टोडर मजिस्ट्रेट। परंतु फिर ये शब्द आ गया ना, परंतु, ठीक है, इस क्या परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है। किनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है? देवसाज गुरु का। तो जब तेरे को सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है तो तेरे को प्रतीति भी सच्ची नहीं है। गजब की बात है वो, क्या सुंदर बात है। कजाव साहब ये बात गले उतरती है। मैं इसको लौकिक उदाहरण, तेरे को सच्चा स्वरूप बात देखो जैसा, अभी बात सुनो आप। आपके काका जी राष्ट्रपति बन गए, ठीक है, क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। अब आपको जो उनके प्रति काका जी का जो भाव है वो राष्ट्रपति के आधार से आता है कि इतने बड़े महल में रहते हैं या 300 रूम है उसके आधार से आता है कि 4000 नौकर है उसके आधार से आता है कि वहां पूरे देश में नंबर वन वो क्या बोलते हैं नागरिक है उसके आधार से आता है कि काका जी मेरे हैं उसका कारण क्या है ये बताओ? क्या कारण है बाबू जी? इसके कारण काका जी है। अगर इसके कारण तू काका जी मानता है तो तेरी भक्ति या तेरे को काका जी मानना सही है क्या तेरा? नहीं, ये तो मेरे पिताजी के भाई हैं। आई बात समझ में? उसके आधार से काका जी। आई बात समझ? तो हमारे को देव के प्रति भक्ति किसके कारण आनी चाहिए? कि उनकी वितरागता के कारण आनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति किसके कारण आनी चाहिए? वितरागता के कारण आनी चाहिए। और शास्त्र के प्रति जो बहुमान आना चाहिए कि यहाँ सात तत्व का यथार्थ स्वरूप बताया है जिससे जीव समझ कर वितरागता प्रकट करे। यदि तेरे ये कारण नहीं है और फिर भी भक्ति है उनके प्रति तो वो भक्ति सच्ची नहीं, ये कहना है थोड़ा मेरे साहब। अब समझ में आ गया गजाव साहब आप? हाँ? कितनी बारीक बात है। हाँ? क्या कह रहे हैं? क्योंकि कारण क्या है बाबूजी कि अपने को मिथ्यात्व को जड़ से उखाड़ना है। अभी हमको कोई पंथवाद नहीं करना है। अभी अपन सब यहां बैठे हैं ना, अपने को लगता है हम तो सही है। अरे भैया आप जब अंदर में जाकर अपने अभिप्राय को टटोलोगे तो अपन भी कहीं यहां अटके हुए हैं। कोई स्फटिक मणि में अटका हुआ है, कोई उस प्रतिमा में अटका हुआ है, कोई खड़गासन में, कोई पद्मासन में, कोई बाढ़ चमत्कार में, कोई हमारे पिताजी ने में, सब कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। भगवान की वितरागता का इसको जोर नहीं है, और जोर नहीं है इसलिए हम मिथ्या दृष्टि। आई बात सब क्या? भाजी आयोजन की सफलता भी ऐसी हो गई कि भोजन कैसा बना आपको पता है? किस पंच कल्याणक बढ़िया रहा? जहां आवास व्यवस्था अच्छी है और भोजन व्यवस्था अच्छी है वो पंच कल्याणक बढ़िया। तो उसकी सच्ची भक्ति है क्या पंच कल्याणक के प्रति? ये बताओ मेरे भेजा साहब, है बोलो, आप बोलो ना, है कि जहां भीड़ ज्यादा है वो पंच कल्याणक अच्छा? बताओ जल्दी बोलो, है किसके आधार से अच्छा पंच कल्याणक? भीड़ ज्यादा है तो अच्छा, खाना था अच्छा, रहने की व्यवस्था हो गई अच्छा, जुलूस बढ़िया था तो अच्छा, किसके आधार से अच्छा बोलो पंच कल्याण? है तो वो सच्चा है क्या मानना? ये बता, वो मानना गलत है ना, वो मानना गलत है। तो सच्चा क्या है कि जिस पंच कल्याण में
भगवान बनने की विधि आपने सीखी हो, उसकी महिमा आती हो और उसके कारण आपको बहुमान आता है, तो वो पंच कल्याणक सर, क्योंकि प्रतिमा तो भगवान बनती है भाई। पंच कल्याणक में क्या होता है, एक स्टेज होता है बाबू, इसके पीछे अप्रतिष्ठित प्रतिमा रहती और इसके सामने जनता रहती है ना, बीच में स्टेज है। अब पीछे वाले भगवान तो बन जाएंगे 5 दिन में, और आगे वालों को 5 दिन में भगवान बनने की विधि बताई जाएगी। अब आगे वाला भगवान बनने की विधि नहीं देखे, नहीं सुने, नहीं समझे, और वो क्या देखे, बढ़िया डोम था, बढ़िया नाटक हुए, बढ़िया भोजन था, बढ़िया भीड़ थी, जुलूस बढ़िया था, बाजा माँ वाला लाया, साउंड सिस्टम माँ का आया, क्या देखा आपने, क्या देखा, तो उसको पंच कल्याण की भक्ति। अब मैं आपसे पूछू, उसने पंच कल्याण देखा कि नहीं देखा, है क्या बात कर रहे हो, एक दिन पहले चला गया था, एक दिन बाद रुक के आया, पंच कल्याण देखा कि नहीं देखा उसने, बोलो गजाव साहब देखा कि नहीं देखा, और बोलो ना बाबू जी देखा कि नहीं देखा उसने पंच कल्याण। अरे आप बोल ही नहीं रहे, क्योंकि आप जैसे बोलोगे नहीं देखा, इसका मतलब टोटल मंजी साहब क्या कह रहे हैं कि उस जीव के भी सच्ची भक्ति नहीं है जिसने अनंत भगवान की वितरागता नहीं देखी है, जिसने गुरु की वितरागता नहीं देखी है, जिसने शास्त्रों में सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं देखा है, उसको उसकी प्रति भक्ति नहीं। यह है मुद्दा, कितने लोगों को समझ में आ गई, हाँ जी या ना जी, कजाव साहब है समझ में आई कि नहीं आई, आप बताओ है? अब आई कि नहीं आई, पहले बोला था नहीं, अब तो आ गई ना, ये एंगल है, आई बात है? जैन साहब ये बात अपन पकड़ पाते हैं, देखो बाहर की बात तो अपने को तुरंत पकड़ में आ गई है बाहर, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आके अपन ढीले हो जाते हैं। अभी मैंने पंचकल्याण का उदाहरण दिया तो आपको बिल्कुल बात पकड़ में आई, नहीं बात तो यही है, और देवसाज गुरु के प्रति भक्ति में उसमें भी यही है कि अपने को वितरागता मुख्य होनी चाहिए, हमको काहे का चमत्कार, हमको क्या क्षेत्र है, कहीं भी जाएंगे कोई बता देगा या तो केसर की वर्षा हुई, ओ भगवान आंख बंद करके ऐसा करेगा, बहुत बहुमान आ गया, बहुत भक्ति आ गई। देखो केसर की वर्षा की भक्ति हुई है कि भगवान के वितरागता की भक्ति हुई, बता है काहे की भक्ति है? कहीं की भक्ति हुई साहब, कहीं की भक्ति हुई, तो ये बहुत मार्मिक मतलब विषय है, इसको आपको गहराई से समझना। देखो क्या कहते हैं, परंतु उनका सच्चा स्वरूप, गजब बात है, सच्चे देव सास गुरु के अलावा कहीं नहीं जाता, उसको कह रहे हैं टोटल मल्ली साहब के उनका सच्चा स्वरूप नहीं जानता है बाबू जी, जो सच्चे देव सास गुरु के अलावा कहीं नहीं जाता, उसको कह रहे हैं टोटल मल्ली साहब कि तू सच्चा स्वरूप नहीं जानता इसलिए तेरी भक्ति भी सच्ची नहीं है। तो साहब मैं सच्चा स्वरूप क्यों नहीं जानता, अरे भैया तू जिनके कारण उनकी बहुमान आना चाहिए, असल वो गुण वो कारण ही नहीं जानता, इसलिए तेरे सच्ची भक्ति नहीं है, तू देवसाज गुरु का सच्चा स्वरूप नहीं जानता इसलिए तेरे को सम्यक दर्शन नहीं है, और जब तेरे को सम्यक दर्शन नहीं है तो तेरे जो बाहर का जो भक्ति का भाव वो व्यवहार सम्यक भी नहीं है। परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ इसीलिए प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई, सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक की प्राप्ति भी नहीं होती, इसीलिए मिथ्या दृष्टि ही है। क्या कह जाओ साहब, कोई यूं मत समझ लेना कि मैं सच्चे देव साज गुरु के सामने ही पूजा करता हूं और मेरे सम्यक दर्शन है, मेरे व्यवहार सम्यक है, अब निश्चय हो जाएगा, उस चक्कर में नहीं पड़ना। ये भैया टोटल मल्ली साहब ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया, भैया पहले देवसाज गुरु का स्वरूप समझो, आपको महिमा किसके आधार से आनी चाहिए वो समझो, बाहर के पुण्य के उदय शरीर के आश्रित जो परिणमन है वो शरीर का समझो, जीव के आश्रित जो परिणमन है वो जीव का समझो, है निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म सब व्यवस्था बराबर समझो, और जो वितरागता उन्होंने प्रकट करी है उसका असली कारण क्या है बाबू जी वो समझो, कैसे आई उनके रत्नत्रय, कजाव साहब कैसे आए मुनिराज के रत्नत्रय, कैसे आई अनंत भगवान की वितरागता, ये बताओ, बोलो कौन बताएगा कैसे आई उनको वितरागता, कैसे हुआ कसाय का अभाव,
बताओ है? हाँ, अपना अर्धसाय स्वभाव, अपना वितराग स्वभाव, उसका अवलंबन लेकर उसमें स्थिरता करके परिणति में अकसायपना प्रकट हुआ। असल कारण यह है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। कैसा स्वभाव मेरा, कैसा स्वभाव है गजाव साहब? उनकी परिणति में वितरागता प्रकट हुई है अनंत भगवान के, लेकिन उस वितरागता प्रकट होने का कारण क्या है कि उन्होंने वितराग स्वभाव का अवलंबन लिया है। मेरा भी स्वभाव वितराग में ही है, मैं जैसे अवलंबन लूंगा मेरी परिणति में भी वितरागता प्रकट हो जाएगी। इसको कहते हैं सच्चा उनके प्रति भक्ति का भाव होना। कितने लोगों को समझ में आ गए? टाइम पूरा हो गया है? माल है ना गजब। अब वो व्यवहार सब मैं मानता है, मैं पूजा करता हूं, मैं थोड़ा सा दान दे देता हूं, मैं व्रत कर लेता हूं, मैं तीर्थ यात्रा चला जाता हूं, मैंने परिग्रह का परिमाण कर लिया है, मैंने दुकान वुकान सब छोड़ लिया है, बस अब तो मैं बस ये दो जोड़ी कपड़े रखे हैं और सुबह पूजा करता हूं, शाम को सामाय कर लेता हूं, अब मेरे व्यवहार सब में अब तो निश्चय हो जाएगा और काम हो जाएगा। भैया तू धोखे में है, ठीक। विशेष चर्चापन कर मिथ्या तमनास वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सिब खानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।